ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पढ़े थे, और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने डाइजेशन इन ओरल कैविटी और डाइजेशन इन स्टमक को पढ़ लिया था। आज जो है हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को, और आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इस फिगर के अंदर अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ जब स्टमक एंड हो जाता है तो स्टमक के बाद जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। अगर हम उसको यहाँ पर हाईलाइट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पोर्शन, इसको बल्कि हम रेड से हाईलाइट करते हैं, ये पोर्शन और इसके अलावा यहाँ पे ये सारा ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जब हम अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी तो हमने कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है वो तीन पार्ट्स होते हैं। हमने इसको डिवाइड किया था स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन पार्ट्स में। फर्स्ट हमने कहा था, फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, सेकेंड है जेजुनम, और थर्ड पार्ट है ईलियम। ये तीन पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये तीन पार्ट्स जो हैं वो वन बाय वन, यानी कि सबसे पहले हमारे पास स्टमक के बाद जो पोर्शन आता है उसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, उसके बाद जो आता है वो जेजुनम, और एंड पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है वो ईलियम कहलाता है। और वन बाय वन हम इनको देखते जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ड्यूडेनम को। इस फिगर को अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको डाइजेस्टिव ट्रैक नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये स्टमक है। स्टमक के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक इस तरह से एक नालीनुमा एक रास्ता है जो कि गुजरा, एक पाइपनुमा रास्ता है, ठीक है, और वो फिर आगे जाके मज़ीद उसके फोल्ड्स बनते जा रहे हैं, ठीक है, और फोल्ड्स अल्टीमेटली फिर एक बड़ी सी एक इस तरह की नाली या रास्ते में चेंज हो जाते हैं, वो एंड पे यहाँ पे आके वो एंड हो रहा है, ठीक है। अब इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल या फिर अगर हम इसे कहें कि डाइजेस्टिव ट्रैक जो है इसके अंदर हम ड्यूडेनम को देखना चाह रहे हैं, तो ड्यूडेनम कौन सा पोर्शन है, यहाँ से जहाँ पे ये स्टमक का एंड हो रहा है यहाँ से लेके ये वाला पूरा पोर्शन जो कि यहाँ पर लीड करता है ये सारा कहलाता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम बेसिकली तकरीबन 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसकी ये लेंथ है, और इसके अंदर डिफरेंट तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जिनकी सेक्रेशंस ड्यूडेनम के अंदर आती हैं। इसके अलावा इसकी अपनी वॉल के अंदर से भी कुछ सेक्रेशंस या कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में। और ड्यूडेनम के बाद क्या होता है, ड्यूडेनम से जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जेजुनम आ जाता है, और इससे भी नेक्स्ट जो पार्ट है वो ईलियम कहलाता है जो कि ये एंड पार्ट है जेजुनम का। अच्छा, कुछ डाइजेशन जब हम देख रहे थे तो वो स्टमक के अंदर भी कुछ डाइजेशन हो चुकी थी, और उसके अंदर हमने बात की थी कि स्टमक के अंदर रिलीज़ होते हैं कुछ केमिकल, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हमने बात की थी, या फिर हमने पेप्सिनोजन की बात की थी जो कि स्टमक के अंदर रिलीज़ हुए थे, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो फूड हमारे माउथ से स्टमक तक आई थी वो पार्टली यानी किसी हद तक थोड़ी बहुत डाइजेस्ट हो चुकी थी, ठीक है। अब वो जो फूड है उसका नाम हमने चेंज कर दिया था जब हमारे माउथ में थी और वो मिक्स हो चुकी थी स्लाइवा से, तो हमने उसको नाम दिया था बोलस का। जब वो स्टमक के अंदर आ गई और स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस के साथ वो मिक्स हो गई तो तब हमने उसका नाम दे दिया था काइम का, ठीक है। अब यही काइम जब मूव करता है फ्रॉम स्टमक टू ड्यूडेनम तो ये इकट्ठा एक ही दफ़ा में मूव नहीं कर लेता बल्कि पोर्शंस में छोटे छोटे पार्ट्स में मूव करता है। और वो क्यों छोटे छोटे पार्ट्स में, बिकॉज यहाँ पे इस जगह पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये बैक, एक तो ये कि बैकवर्ड मूवमेंट को रोकता है फूड की, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस स्टमक में फूड ना जाए, और दूसरा ये स्टमक के अंदर से छोटे छोटे पोर्शंस में फूड को आगे भेजता जाता है ताकि यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता जाए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ था, तो ये जो काइम है इसकी जो नेचर है बेसिकली वो एसिडिक है, बिकॉज हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे रिलीज़ हुआ था और बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में था, तो काइम जो है ओवरऑल एसिडिक हो गया। अब ये जो इसकी एसिडिटी है ये हेल्प करती है कि यहाँ पे जो, यहाँ अगर आप इस पोर्शन में देखें ड्यूडेनम के अंदर और इससे लिंक्ड कुछ और भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है, ये लिवर है जिसे हम कहते हैं जिगर। इसी तरह यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का कुछ नज़र आ रहा है, ये ग्रीन कलर की क्या चीज़ है, ये गॉल ब्लैडर है जिसे हम उर्दू में पित्ता भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें येलो कलर में आपको ये ग्लैंड नज़र आ रहा है, बेसिकली ये ग्लैंड है और इसके अंदर से भी कुछ केमिकल सिक्रीट होते हैं, और ये क्या है, ये कहलाता है पेंक्रियास, ठीक है। तो अब
ड्यूडेनम का क्या काम है? ड्यूडेनम के अंदर होता यह है कि पेंक्रियास, लिवर और गॉल ब्लैडर्स के अंदर से कुछ सिक्रीशन या कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो ड्यूडेनम के अंदर आ जाते हैं और ड्यूडेनम में जो फूड है उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये जो हमने ग्लैंड्स का नाम लिया है इसको वन बाय वन हम मेंशन भी कर देते हैं और इसको देखते भी जाते हैं। हमने कहा कि ये कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनको हम एक्सेसरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स। और इनके अंदर क्या क्या आ जाते हैं? एक हमने कहा हमारे पास है लिवर और हमारे पास है पेंक्रियास और हमने गॉल ब्लैडर की भी बात की। इनको अगर हम वन बाय वन देखते जाएं, सबसे पहले हमारे पास है लिवर, लीवर का क्या काम है? लीवर जिसे हम जिगर भी कहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है। ये खून बनाने में भी हेल्पफुल होता है बट डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसे देखते हैं तो हम जानते हैं कि लीवर जो है वो एक केमिकल रिलीज़ करता है या एक जूस सिक्रीट करता है जिसे हम कहते हैं बाइल। तो लीवर सिक्रीट बाइल जूस। अब ये बाइल जूस क्या है? बेसिकली ये एक ग्रीन वाटरी फ्लूइड होता है और ये जब रिलीज़ हो जाता है लिवर के अंदर तो क्या होता है कि लिवर के अंदर से मूव करता हुआ ये गॉल ब्लैडर के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास बाइल है और वो मूव करके कहाँ जाएगा? गॉल ब्लैडर के अंदर। और हमने देखा था कि लिवर और गॉल ब्लैडर जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको डायग्राम के अंदर भी देखें तो ये लिवर है और लिवर से आगे जो ग्रीन हिस्सा पोर्शन है ये आपको गॉल ब्लैडर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो लिवर से बाइल रिलीज़ होगा, वो आ जाएगा गॉल ब्लैडर के अंदर, यहाँ पर कुछ देर के लिए स्टोर रहेगा और फिर उसके बाद यहाँ से बाइल डक्ट के थ्रू मूव करता हुआ ये ड्यूडेनम के अंदर आ जाएगा। बाइल डक्ट के थ्रू मूव करके कहाँ पर? ड्यूडेनम में आ जाएगा। अब ये जो बाइल है, हमने कहा ये ग्रीन फ्लूइड है, इसका काम क्या है, ये करता क्या है? एक तो ये हम इसको मेंशन कर देते हैं कि ये ग्रीन वाटरी फ्लूइड होता है और इसके अंदर ग्रीन कलर कहाँ से आता है? ग्रीन कलर बेसिकली लिवर के अंदर हम जानते हैं कि खून बन रहा है। ठीक है, तो कुछ हीमोग्लोबिन पार्टिकल्स जब टूटते हैं, व्हेन हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन, तो क्या होता है कि उसके टूटने की वजह से कुछ पिगमेंट रिलीज होते हैं, वो जो पिगमेंट है उसका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, तो उस वजह से यहाँ पे ये जो बाइल है इसका भी ग्रीन कलर आ जाता है। बाइल के अंदर हम देखें अगर इसकी कंपोजिशन को, तो इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। ठीक है, नो एंजाइम्स। और कुछ सॉल्ट्स पाए जाते हैं बाइल के अंदर जिनको हम कहते हैं बाइल सॉल्ट्स। और इनका काम क्या होता है? इन सॉल्ट्स का काम ये होता है कि ये फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं, दे एक्ट ऑन फैट्स। हमारे फूड के अंदर जो फैट्स होते हैं या लिपिड्स होते हैं उनके ऊपर एक्ट करते हैं और वो उनको इमल्सिफाई करते हैं। इमल्सिफाई देम, इमल्सिफिकेशन क्या है? बेसिकली एक लॉन्ग प्रोसेस है। अगर हम इसको आम जुबान में देखें तो ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर फैट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टूट के स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो फिर जो ग्लोब्यूल्स हैं क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए हैं तो वो फिर इजीली डाइजेस्ट हो सकते हैं, स्मॉल ग्लोब्यूल्स। और ये जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स हैं इनको आप स्मॉल पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, ये फिर इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम लाइपेज। लाइपेज की मदद से ये पार्टिकल्स इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। बाइल से रिलेटेड कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बाइल हम जानते हैं कि लीवर के अंदर रिलीज़ हुआ और गॉल ब्लैडर के अंदर आ गया। अगर ये बाइल जो है वो अक्यूमुलेट है जाए ब्लड के अंदर, हम जानते हैं कि लीवर के अंदर क्योंकि ब्लड प्रोड्यूस हो रहा है और ये जो बाइल है ये किसी भी तरह से डाइजेस्टिव ट्रैक में ना जा सके और अक्यूमुलेट हो जाए ब्लड के अंदर, तो एक बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं जॉइंडिस और जिसे हम उर्दू में पीलिया भी कहा जाता है। और आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि जब उनको पीलिया हो जाता है तो उनकी पूरी बॉडी जो है वो येलो येलो हो जाती है, इवन उनके नेल्स और उनकी आईज़ भी येलो हो जाती हैं। ठीक है, तो वो क्यों होते हैं? बिकॉज बाइल जो है वो उनके ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो चुका होता है। इसके अलावा एक और बीमारी वो किस तरह से होती है, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। कोलेस्ट्रॉल जो कि लीवर में सिक्रीट होता है उसके अंदर होता यह है कि लीवर में कोलेस्ट्रॉल सिक्रीट होकर गॉल ब्लैडर के अंदर उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। ये जो गॉल ब्लैडर आप देख रहे हैं लीवर से सिक्रीट हुआ और गॉल ब्लैडर के अंदर आया, यहाँ पर उसके कुछ प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। वो प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे होते जाते हैं, इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि वो एक स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और उस स्टोन को हम कहते हैं गॉल स्टोन्स।
और ये गॉल स्टोन्स क्या हैं, इनको उर्दू में हम कहते हैं पित्त में पत्थरी हो गई है, ठीक है। वो एक पत्थर की सी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर वो करते क्या हैं कि वो ब्लॉक कर देते हैं मज़ीद बाइल की रिलीज़ को, ठीक है। यानी कि बाइल, क्योंकि पित्त में या गॉल जो है उसके अंदर तो स्टोन्स बन गए हैं, तो क्या होता है कि बाइल जो कि लिवर के अंदर सिक्रिएट हुआ है वो आगे मूव नहीं कर सकता डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, तो ये बीमारी कहलाती है पित्त में पत्थरी हो गई है, ठीक है। और इसके अलावा लिवर का एक और काम भी है, लिवर जो है वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है जिसकी मदद से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सम अदर फॉर्म। लिवर की हम बात करें और लिवर में हमने कहा कि ये कन्वर्ट करता है मोर टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, और मोर लेस टॉक्सिक क्या चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि जब प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं तो इंटरमीडिएट फॉर्म में हमारे पास अमोनिया आता है, और अमोनिया एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो अमोनिया को लिवर क्या करता है कि लिवर कन्वर्ट कर देता है अमोनिया को इनटू यूरिया। अब यूरिया जो है ये लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है, और फिर क्या होता है कि अल्टीमेटली यूरिया किडनी के अंदर और किडनी से आगे हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है, बॉडी से बाहर चली जाती है। तो इन अदर वर्ड्स लीवर का काम फिल्ट्रेशन का भी है कि लीवर फिल्टर भी कर रहा है हमारे जिस्म के अंदर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको। तो ये हमने देख लिया फर्स्ट ग्लैंड जो कि हमारे पास था लीवर। लीवर के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट ग्लैंड के ऊपर और वो है पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है वो एक लार्ज ग्लैंड होता है और इसके अंदर से भी कुछ जूसेस सिक्रीट होते हैं, और वो कहाँ से, वो पैंक्रियास अगर आप इस डायग्राम के अंदर वापस देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये जो येलो कलर का पोर्शन है ये पैंक्रियास कहलाता है। इसके अंदर से कुछ जूसेस रिलीज होते हैं और वो जो जूसेस हैं वो पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, यहाँ पे आप पैंक्रियास के एंड पे जो डक्ट देख रहे हैं एक नाली देख रहे हैं, इसे हम पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, और पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू वो जो जूसेज हैं मूव करके ड्यूडेनम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो जूसेज रिलीज होते हैं उनको हम देख लेते हैं, उनको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस और इसकी क्या कंपोजिशन है, ये किस चीज़ से मिलके बना होता है, पैंक्रियाटिक जूस जो है उसके अंदर दो मेन चीज़ें होती हैं, एक तो उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और सेकेंडली उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इनका क्या क्या काम है, इनके डिफरेंट काम है। अगर हम सबसे पहले एंजाइम्स को देख लें तो एंजाइम्स का क्या काम है, डिफरेंट तरह के एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं पैंक्रियास के अंदर, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर पाए जाते हैं, वो क्या क्या हैं, वो तीन डिफरेंट तरह के एंजाइम्स हैं और वो हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तीन तरह के एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे हैं, एक हमने कहा कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन की डाइजेशन में हेल्प करेंगे, दूसरा हमने कहा कि फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करेंगे और प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ये तीन डिफरेंट तरह के हमारे फूड कंपोनेंट्स जो हैं वो डाइजेस्ट हो जाएंगे इन एंजाइम्स की मदद से। वो किस तरह से होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम रिलीज होता है उसे हम कहते हैं अमाइलेज, या फिर हम इसको अमाइलोप्सिन भी कहते हैं, माइलोप्सिन। और इसका काम क्या है कि ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, यानी कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में, और माल्टोज क्या है, ये शुगर की फॉर्म है और ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर की। इसके बाद हमारे पास फैट्स आ जाते हैं, फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो एंजाइम रिलीज होता है वो कहलाता है लाइपेज, और लाइपेज क्या करता है कि ये कन्वर्ट कर देता है फैट्स को इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। और उसके बाद आ जाते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम रिलीज होता है उसे हम कहते हैं ट्रिप्सिन, और ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन बेसिकली जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है यहाँ पर, और उसकी जो इनएक्टिव फॉर्म है वो कहलाती है ट्रिप्सिनोजन। और इनएक्टिव फॉर्म जो है वो एक्टिवेट कैसे होती है, वो एक्टिवेट होती है विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम जो कहलाता है एंट्रोकाइनेज। और ये जो एंट्रोकाइनेज है ये कहाँ रिलीज होता है, ये रिलीज होता है ड्यूडेनम के अंदर। तो जब ट्रिप्सिन जो है यहाँ पे रिलीज हुआ, ट्रिप्सिन क्या करेगा, वो जाएगा मूव करेगा ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम के अंदर एंट्रोकाइनेज प्रेजेंट होगा, एंट्रोकाइनेज क्या करेगा ट्रिप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन के अंदर। अच्छा, अब ट्रिप्सिन करता क्या है, ट्रिप्सिन जैसे कि हमने कहा कि वो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होगा, वो किस तरह से करेगा प्रोटीन की डाइजेशन,
ट्रिप्सिन जो है वो स्प्लिट कर देगा प्रोटीन्स को, और स्प्लिट करके दो डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, स्प्लिट करेगा प्रोटीन्स को और दो तरह की चीज़ें, एक तो वो पेप्टोन्स बना देगा और दूसरा पॉलीपेप्टाइड्स बना देगा, जैसे हमने बात की थी स्टमक के अंदर पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये हमने देख लिया तीन तरह के डिफरेंट एंजाइम्स हैं और तीन फूड के जो हमारे पास पार्ट्स आते हैं या फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके ऊपर ये एक्ट करते हैं। अच्छा, ये हमने देख लिया एंजाइम। अब इसके बाद आ जाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर, जो कि एक सॉल्ट है, और करता क्या है ये करता है कि ये न्यूट्रलाइज करता है काइम को, ठीक है। इट न्यूट्रलाइजेस काइम। अब काइम क्या है? काइम हमने कहा था ये वो फूड है जो कि स्टमक से आगे ड्यूडेनम की तरफ आती है। और न्यूट्रलाइज करने का क्या मतलब है? न्यूट्रलाइज करने का ये मतलब है कि हम जानते हैं कि वो जो काइम थी वो किस फॉर्म में थी, वो एसिडिक फॉर्म में थी, ठीक है। उसको उसके अंदर एसिडिटी ज़्यादा थी, तो क्या हो गया? अब हमारे पास जब ये ड्यूडेनम में फूड होती है तो ड्यूडेनम में उसकी जो डाइजेशन है उसके लिए उसका जो मीडियम है वो न्यूट्रल होना ज़रूरी है, ठीक है। एसिडिक में या बेसिक मीडियम में काम नहीं चल सकता। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है कि ये जो सॉल्ट है ये इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू न्यूट्रल फॉर्म। तो ये हमने देखे एक्सेसरी ग्लैंड। एक जो थर्ड एक्सेसरी ग्लैंड हमारे पास यहाँ पे देखें जो रह गया था वो क्या था? वो था यहाँ पे गाल ब्लैडर। अब गाल ब्लैडर जो है वो टेम्परेरीली स्टोरेज के लिए हेल्पफुल होता है, बट इसकी अपनी कोई सिक्रीशन यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। तो ये हमने कुछ ग्लैंड्स को देख लिया और उनकी सिक्रीशंस को देख लिया जो कि ड्यूडेनम में आके फॉल करती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर जो कि है जेजुनम। जेजुनम जो है वो नेक्स्ट पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, और अगर इसकी लेंथ देखें तो ये तकरीबन 2.4 मीटर जो है वो लंबा पार्ट है। तकरीबन अगर हम इसको ओवरऑल स्मॉल इंटेस्टाइन के साइज़ के हिसाब से देखें तो 2/5 ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो जेजुनम होता है, और जेजुनम से आगे फिर नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास होता है इलियम। अच्छा, अब जेजुनम जो है ये वो पार्ट है जहाँ पर फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है। इससे पहले हमने देखा था कि ड्यूडेनम है या स्टमक है उसके अंदर पार्टली या कुछ फूड के कंपोनेंट्स जो हैं वो डाइजेस्ट होते हैं, जबकि जेजुनम जो है ये वो पार्ट है जहाँ पे फूड ने कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाना है। वो कम्प्लीटली किस तरह से डाइजेस्ट होती है? वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स डाइजेस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं और वो एंजाइम जो हैं वो मिल के इंटेस्टाइनल जूसेस बनाते हैं, और उसकी मदद से जितने भी हमारे फूड कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाते हैं। वो किस तरह से होते हैं? वन बाय वन हम उन एंजाइम्स को भी देखते जाते हैं और फिर हम उनके सबस्ट्रेट यानी कि वो किन फूड कंपोनेंट्स पे एक्ट कर रहे हैं उनको देखेंगे और फिर उनके प्रोडक्ट्स को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिसको देख रहे हैं वो है हमारे पास अमाइनो पेप्टाइडेस। और अमाइनो पेप्टाइडेस क्या है? ये वो एंजाइम है जो कि एक्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर। हमने देखा था कि जो प्रोटीन्स हैं वो टूटते हैं इनटू पेप्टोन्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स, तो ये जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो यहाँ पे आके कम्प्लीटली डाइजेस्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ अमाइनो पेप्टाइडेस, और कन्वर्ट होके किस फॉर्म में बन जाएंगे? ये यहाँ पे बनेंगे डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड्स जो हैं ये सिंपलर फॉर्म होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या है? अमाइनो पेप्टाइडेस एंजाइम है और इसने एक्ट किया पॉलीपेप्टाइड्स के ऊपर और उसको कन्वर्ट कर दिया डाइपेप्टाइड्स में, ठीक है। इसी तरह सेकेंड पे हमारे पास एक और एंजाइम है, वो है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन जो है वो एक्ट करता है डाइपेप्टाइड्स के ऊपर, डाइपेप्टाइड्स, और उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू अमाइनो एसिड्स। और अमाइनो एसिड्स हम जानते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन्स के, यानी कि बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स यहाँ पे आके टोटली टूट जाते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और एंजाइम है जो कहलाता है लाइपेज। और लाइपेज का क्या काम है? लाइपेज कन्वर्ट करता है फैट्स को इनटू फैटी एसिड्स, ठीक है। हमारे फूड में जो भी फैट्स प्रेजेंट होंगे वो इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स। उसके बाद एक और एंजाइम यहाँ पे रिलीज होते हैं जो कहलाता है मैल्टेज। और मैल्टेज क्या करेगा? वो मैल्टोज के ऊपर एक्ट करेगा। हमने देखा था कि ड्यूडेनम के अंदर स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैल्टोज, ठीक है। तो अब मैल्टोज जो है वो मज़ीद यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लूकोज।
एक और एंजाइम जो यहाँ रिलीज होता है वो कहलाता है लैक्टेज, और लैक्टेज क्या करता है, वो एक्ट करता है लैक्टोज के ऊपर. लैक्टोज जो है ये वो शुगर है जो कि मोस्टली दूध के अंदर या डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है. तो ये लैक्टेज एक्ट करेगा लैक्टोज के ऊपर और इसको भी कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज एंड लैक्टोज, इन दो फॉर्म्स में इनको कन्वर्ट कर देगा. तो ये हमने देख लिया डाइजेशन इन जिजनम, यहाँ तक आके फूड जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो चुकी होती है. अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो कहलाता है ईलियम. और ईलियम के अंदर क्या होता है कि फूड जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है. डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे कम्प्लीट हो गया, यानी कि फूड के जो ब्रेक डाउन है वो यहाँ तक कम्प्लीट हो गया. अब जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन का टाइम है, यानी उस फूड ने हमारे ब्लड के अंदर चले जाने. तो यहीं पे हम अपने टॉपिक को एंड करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम एब्जॉर्प्शन जो है जो ईलियम के अंदर हो रही है उसको डिटेल में देखेंगे.